प्यार साथियों, देखिए सवाल कुछ प्रकार से हमारे सामने, ये कह रहा है कि भाई इफ 3 की पावर m का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड हो रहा है किससे, 3 की पावर m होल स्क्वायर से, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर उसकी होल पावर दे रखी है पूरे सब की 1/m। देखिए इस स्टफ को देखने से आपको थोड़ा डरना नहीं है, ये केवल पावर्स का खेल है यहाँ पर, और इन पावर का अगर हम सही राइट कॉम्बिनेशन मैच कराएंगे तो फिर हमारा सवाल जो सही हो जाएगा। देख किस तरीके से करेंगे, आपको पता है यहाँ पर ये 3 की पावर m का होल स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं, डिवाइडेड बाय यहाँ पर ये क्या है, एक्चुअल में ये 3 की पावर m और उस पूरे का होल स्क्वायर है, मतलब कि ये m और 2 आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में है, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 2m। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आपसे बोल रहा है कि पूरे की पावर क्या है, 1/m है, पूरे की पावर क्या है सर, 1/m है, नो प्रॉब्लम, हम इसको 1/m रहने देते हैं, इक्वल्स टू में 81 है। ठीक है, अब इस स्टेप में हम क्या करेंगे, आपको पता है कि 3 की पावर ये क्या है, m स्क्वायर, और यहाँ पर आपका है ये डिवाइड का मतलब मैं नीचे लिख सकता हूँ उसको कि 3 की पावर 3m। ठीक है, अब ये पूरा एक साथ है, और इस 1/m को अगर मैं इधर लेके जाऊँगा, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं दोनों साइड में m का m से क्या कर दूँ, पावर लगा दूँ, दोनों साइड m की पावर लगा देता हूँ, तो इस m से यहाँ पर ही कट जाएगा और उधर m चला जाएगा, तो यहाँ पर m नहीं है, उधर क्या है, 81 की पावर m। अब देखिए इसको मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर m² - 3m, क्योंकि मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया हुआ था कि भाई अगर कुछ इस तरीके से हमारे सामने आ जाता है कि भाई a की पावर m / b की पावर n, तो इसका मतलब होता है a की पावर m - n। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बेस इक्वल है और पावर से अलग अलग है, तो इस तरीके से हम माइनस में लिख सकते हैं इसको। चलिए इज इक्वल्स टू में इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये आपका 3 की पावर क्या है, हम 81 के प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। ठीक है, तो 3 से करोगे तो 27 टाइम्स जाएगा, फिर 3 से करोगे तो आपका 9 टाइम्स जाएगा, और फिर 3 से करोगे तो 3 टाइम्स, और फिर 3 से करोगे तो 1 टाइम, इस तरीके से 3 की पावर 4 है। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 4 और उसकी होल पावर m, क्लियर। और अब यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा भाई, 3 की पावर मिल जाएगी m² - 3m, और इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 3 की पावर 4m। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो है आपका बेस इक्वल हो चुका है, क्या इक्वल हो चुका है, बेस जब इक्वल हो गया तो पावर से इक्वल हो जाएंगी। चलिए तो यहाँ से हमारा क्या बनेगा, हमें मिलेगा m² - 3m और इज इक्वल टू 4m, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 4m हमें मिलेगा सर। चलिए अब देखिए, अब ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब या तो आप दो काम कर सकते हो, या तो आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, वैसे तो आसानी से हो जाएगा, चलो फिर तो आसानी से कर लेते हैं, इसको उधर लेके जाएंगे। ठीक है, तो आपका आपके पास आ जाएगा m² = 4m - का प्लस हो जाएगा उधर ट्रांसपोर्टेशन 3m, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा m² = 7m। अब m² से एक बार ये वाला m² में ये वाला m से ये जो है एक बार कट जाएगा, तो m = आ जाएगा 7। ठीक है, तो m = +7 आएगा आपका, यस वैल्यू ऑफ m इज +7, बट देर इज नो ऑप्शन +7, हमने गलती करी है कहीं पर, यस यहाँ पर हमने गलती करी है। देखिए सर यहाँ पर ये 2m था, हमने इसको 3m लिख लिया यहाँ पर, तो इस गलती को जरा हम सही कर लेते हैं एक बार, ये 2m है, ये भी आपका 2m है, यहाँ पर भी 2m है, तो यहाँ पर भी ये 2m ही आएगा, यहाँ पर भी ये 2m ही जाएगा, जब 2m जाएगा तो यहाँ पर ये 6 बनेगा सर, क्या बनेगा 6, और यहाँ पर भी क्या बनेगा 6 बनेगा, तो m की वैल्यू 6 है आपकी, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी मिस्टेक्स आपसे भी हो सकती है, पेपर में थोड़ा ध्यान रखना इस चीज़ का कि हमने यहाँ पर 2m था उसको 3m लिखा है यहाँ पर। चलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा, अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।